तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मुझे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्दी तुम्हारे लिए बड़ा खरगोश लेके आएंगी। माँ बच्चों क्या तुमने मुझे याद किया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, बहुत, पर खाने को ज्यादा याद किया। मुझे मुझे माफ कर देना, आज शिकार बुरा रहा, मुझे कुछ नहीं मिला। पर रो मत, तुम्हारे पिताजी बाहर शिकार कर रहे हैं, वो कुछ लाएंगे। हमारे शिकार का मैदान अब छोटा हो गया है। पर बाकी सबको खाने मिलता है। हाँ, उन्हें मिलता है। माँ, क्या राइना और बगीरा कहीं और शिकार नहीं कर सकते? नहीं सिम्बा, हर शिकारी का अपना एक इलाका होता है, वो वहीं शिकार करता है। आपको कैसे पता हदें कहाँ है? मुझे लगा तुम्हें पता होगा, हर शिकारी की अपनी सीमा रेखा होती है और बाकी किसी को उस सीमा में जाने की इजाज़त नहीं होती। छोटे बच्चे भूखे हो क्या तब भी? हाँ तब भी, जंगल के नियम सबके लिए समान है, जो इलाका पहले कब्जा करेगा वो उसी का इलाका होगा। सब लोग ध्यान से सुने, मेरे पास सभी के लिए एक जरूरी खबर है। कहाँ? तुम सबको नदी के उस पार वाला वो बूढ़ा शेर तो याद है ना, है कि नहीं? बेशक, पर मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा। तुम्हें उसका इलाका याद है? वो तो जंगल का सबसे बड़ा इलाका है। बिल्कुल सही कहा, और उसने बहुत साल तक वहाँ पर राज किया और ये सबको याद रहेगा। पर कल रात वो चल बसा। नहीं। माफ कीजिए हुजूर, लेकिन ये जरूरी है। हर दिन तुमने मेरी नींद उड़ा दी है, इसलिए मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। अब बताओ, क्या तुम्हें यकीन है ये जरूरी है? बताओ। वो बूढ़ा शेर चल बसा। मुझे लगा था ये कभी नहीं हो सकता, ये तो कमाल हो गया। अब मैं बिना झगड़े के उसके इलाके पे कब्जा कर लूंगा। जी हुजूर। क्या ये सच है कि वो बूढ़ा शेर अब नहीं रहा? हाँ, वो नींद में ही चल बसा। वो बहुत बुद्धिमान था, पर वो अपना इलाका संभालने के लिए बूढ़ा हो चुका था। मुझे उसकी याद आएगी। पर अब उसके इलाके का क्या होगा, अब तो वो नहीं रहा। माँ का तुम शिकार करने नहीं जा सकते? नहीं बच्चे, वो इलाका हमारा नहीं, पर किसी को तो उस इलाके पे कब्जा करना होगा, क्यों ना तुम और बगीरा करो। तुम सही हो, तुम्हें और जगह भी मिल जाएगी। रायना, हमें जल्दी करनी होगी। अगर किसी ने पहले कब्जा कर लिया तो रायना वहाँ शिकार नहीं कर पाएगी ना। बगीरा कहाँ है बोलो? कह नहीं सकती, पर वो शायद काफी दूर शिकार करने गए हैं। वैसे मुझे यकीन है कि वो चाहेगा हम आगे जाएं। कभी भूखे नहीं रहोगे। अब बातें बंद करते हैं और चलते हैं। कौन जाना चाहता है? तो तय हो गया, हम सब जा रहे हैं, पर बच्चों तुम सब हमारे साथ रहना। चिंता मत करो, काम बन जाएगा। मुझे उम्मीद है बलू, बहुत शर्मनाक होगा अगर किसी और ने उस इलाके पे कब्जा कर लिया। चलो, बहुत देर हो रही है। तुम बच्चे वहाँ बहुत मजे करोगे। क्या हुआ है मैना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर मेरे पास एक बुरी खबर है। हमें पता है कि वो बूढ़ा शेर नहीं रहा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये खबर ज्यादा गंभीर है। हम सुन रहे हैं, तुम आराम से बताओ हमें सारी बात। हाँ ठीक है, आज सुबह जब मैं उठी और तीनों बच्चों को नदी के किनारे गाना सिखा रही थी, असल में मैं तीनों बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयारी करवा रही थी, तभी ये हुआ। हाँ? तभी अचानक शेर खान और तबाकी हमारे ऊपर की चट्टान पर आ गए।
से देख रहे थे, फिर मैंने उन्हें कहते हुए सुना, इस इलाके के हर पेड़ पर अपना निशान बनाएंगे। ये जंगल बहुत बड़ा, समय लगेगा। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कितना समय लगेगा, पर मैं सबको दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ का राजा हूँ। सब हमसे जले गए। अब क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं हुजूर? खास तौर पर बगीरा। वो इतना तेज नहीं है। जल्दी करो, मुझे हर एक पेड़ पर निशान चाहिए। जी हुजूर। तुम क्या बदबू फैला रहे हो? मैं अपनी खुशबू से निशान लगा रहा हूँ। ये खुशबू है या बदबू? पर वो बूढ़ा शेर तो ऐसे। मुझे नाखूनों से निशान चाहिए बेवकूफ। चलो जल्दी करो। जी 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 जी, जी, जी। और जब मैं वहाँ से निकली तो मैंने देखा कि दोनों पेड़ों पर निशान लगा रहे थे और कह रहे थे, मेरा है, मेरा है। और ये सही है, उन्होंने सबसे पहले उस इलाके पर कब्जा कर लिया है। तुम्हारा मतलब हमने देर कर दी? ये सही नहीं है, उसे नहीं मिल सकता। अगर शेर खान की जगह कोई और होता तो मैं जाने देती। मुझे पता है वो इसके लायक नहीं है, और अगर उसने कब्जा कर लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं उसे चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस तरह से अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। शेर खान बेवकूफ है, पर वो मुकाबला करेगा। वो डरपोक है, मैं कहता हूँ हमें उसे डरा के भगाना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें अगस्त्या से बात करनी चाहिए, वही कोई सुझाव दे सकता है। मैं बक्शॉट और सैम बाद में मिलेंगे, हमें एलेक्स से मिलना है। ठीक है सिम्बा, वो आज जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने गई है, उसे भी मदद मिल जाएगी। शुक्रिया माँ, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। वादा करो शैतानी नहीं करोगे। ठीक है माँ। ये तो बक्शॉट और उसके दोस्त है। हमें कोई तरकीब सोचनी होगी शेर खान को सलाके से भगाने की। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, पर मैं तैयार हूँ। सैम, क्या तुम एलेक्स को ला सकते हो? क्या तुम बीमार हो? नहीं, पर शायद उसके पास कोई तरकीब होगी। मैं चाहता, पर सुबह खेलते हुए मेरे पंजे में चोट लग गई। ठीक है, जाने दो। वो देखो, वो एक गुफा की तरह है। ये सुनो, क्या कोई घर पर है? कोई है क्या? मैं एक शातिर शेर हूँ। मैं भूखा हूँ और चिड़चिड़ा भी। मैं उस बुढ़े शेर की आत्मा हूँ। हम इससे शेर खान को डरा सकते हैं? मुझे नहीं पता, पर ये मजेदार लगता है। कैसे हो दोस्तों? आर्बर, तुम वही बच्चे हो जिनसे मैं मिलना चाहता था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए शेर खान को डराने के लिए। चौंको मत दोस्तों, शेर खान पूरे इलाके को खराब कर रहा है। मैं ऐसे ही बैठ कर ये तमाशा नहीं देख सकता। तुम लोग मेरे तने के अंदर बैठ क्यों नहीं जाते? फिर हम उस बूढ़े शेर के इलाके में जाएंगे, फिर शेर खान को डराकर भगा देंगे। आज हम उस शेर खान के बच्चों को चौंका देंगे। वो आसपास ही होगा, मैं उसके नाखूनों के निशान देख सकता हूं। जल्दी चलो, अभी भी बहुत सारे पेड़ बचे हैं। हुजूर, क्या हम आराम कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, कोई नहीं देख रहा है। ये सब मेरा है। तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है, याद आया? हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं।
नहीं बिल्कुल नहीं, जब तक ये काम खत्म नहीं करते हम आराम नहीं करेंगे। वो आ रहे हैं सिम्बा, जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से गुर्राना। मासा, ये बूढ़ा शेर है, वो अपना इलाका बचाने के लिए वापस आ गया है, वो हमारे पीछे पड़ गया है। तुम्हारा मतलब है भूत? वही हो सकता है, क्योंकि यहाँ और कोई शेर नजर तो आ नहीं रहा, बस कोई भी नहीं है। चुप रहो भूत, भूत कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है। देखो जाकर आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे लगता है कि ये आवाज उस पेड़ के पीछे से आ रही है। उस पेड़ पर निशान लगाना भी बाकी है, जाओ जाकर देखो वहाँ क्या है। लेकिन मैं क्यों जाऊँ? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं निपटता हूँ। शुक्रिया। वो वापस आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। कौन है वहाँ? बाहर निकलो डरपोक। अपनी पूरी कोशिश करो। कौन था वो? मन करो बकवास, दफा हो जाओ। तुम सही कह रहे थे तबाकी, ये बूढ़े शेर का भूत है, पर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। मैं भूतों से नहीं डरता। एए, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है। हम तुम्हारे लिए आए हैं, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। हम यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते, पर ये बहुत जरूरी खबर है, हमें लगा कि तुम्हें ये जानना चाहिए। क्या तुम्हारे केले खत्म हो गए हैं? बहुत तो सुनो, ये जरूरी है, महापंचायत मिलकर तय करने वाली है कि वो इलाका किसको मिलेगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर कोई सोचता है कि उसके कहने पे हम यहाँ से चले जाएंगे तो वो बेवकूफ है। मैं भूतों से नहीं डरता, हिम्मत है तो सामने आओ। मुझे लगता है कि उस पेड़ के पीछे से आवाजें आ रही है, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं इसे एक बार में खत्म करता हूँ, हटो सामने से। अब सिर्फ तुम और हम हैं। मुझे पता है तुम कहाँ छुपे हो। मेरे दोस्तों, इस शेर को दिखा दो कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तुम अभी यहाँ हो? बिल्कुल हुजूर। मैं तुम्हारी ईमानदारी याद रखूंगा तबाकी। शुक्रिया। मुझे नहीं लगता ये हार मानने वाला है। हुजूर, वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। अब मैं क्या करूँ तबाकी? आपको पहले महापंचायत में जाना चाहिए था। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, वो मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगा।
हमें अब चलना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तबाकी कभी इतना अच्छा काम हमने करेगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। पर बहुत समय लिया। हम सब एक जरूरी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बूढ़ा शेर अब नहीं रहा। वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा इलाका छोड़ गया है। इस पर शेर खान, रायना और बगीरा दावा कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहा है? सभा को आगे बढ़ाते हैं। हुजूर, ये कोई चाल हो सकती है, हम लोग फंस जाएंगे। मुझे पता है, जब मुझे तुम्हारी राय की जरूरत होगी ले लूंगा। अब जबकि दोनों दल आ चुके हैं, हम सबको अपनी बात पंचायत में कहने का मौका देते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। कौन पहले बोलेगा? क्योंकि अब वक्त आ गया है। शुक्रिया। अब रायना तुम बताओ, इलाका तुम्हें क्यों मिलना चाहिए? हमारे परिवार को खिलाने के लिए हमें इस इलाके की जरूरत है। अब रहने भी दो, तुम बेकार की बातें कर रही हो, है ना? नहीं नहीं, गलत बात है, तुम जाओ यहाँ से। शेर खान, शांत हो जाइए, रायना को कुछ कहना है, सुनिए जरा। शेर खान को ये इलाका देने का कोई मतलब नहीं बनता, वो इसके लायक नहीं है। वो इलाका मेरा है, मैंने उसमें निशान बनाया है। वैसे हम ये इलाका बांट भी सकते हैं क्योंकि वो बड़ा है। मेरा कोई इरादा नहीं इलाका बांटने का, और अगर किसी ने पैर रखा या कोशिश भी की तो मैं उसे मार डालूंगा। आज से वहां कोई पैर नहीं रखेगा, समझ गए? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आप इसको संभालना चाहते हैं? अब चलो, शेर खान को हमारी जरूरत है। सबकी राय जानने के बाद पंचायत ने ये फैसला किया है कि ये इलाका तेंदुओं को मिलेगा। वो इलाका मेरा है, मैं किसी को वहाँ जाने नहीं दूंगा। सब शांत हो जाइए, हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि शेर खान इस इलाके को छोड़ दे और रैना और बगीरा परिवार के साथ अच्छे से रह पाए। अगर हम चाहते हैं कि शेर खान हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए तो हमें पक्की योजना बनानी होगी। शेर खान डरपोक है, उसने जबरदस्ती बूढ़े शेर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। हम मिलकर उसे डरा के भगा देंगे। सही कहा। हम अपने दोस्तों के साथ मदद के लिए पहुँचने वाले हैं, हम उसे देख लेंगे। शुक्रिया हाथी, हमें उस पागल शेर को डराने में बहुत मजा आएगा। हमको भी। चलो चलते हैं। हाँ, आप वहाँ रहे, कमाल कर दिया हुजूर। देखो,
हुजूर। ये क्या गड़बड़ है? याद रखना, हम बस उसे डरा रहे हैं। बस अब उसे जाने दो, लगता है उसने काफी सबक सीख लिया। मुझे पता था हम उसे डरा देंगे। वो तो डरपोक निकला। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सब हमारे दोस्तों की वजह से हुआ। क्या तुम हमारे साथ आके खेलोगे सिम्बा? चलो ना सिम्बा। हाँ जरूर, हम सब खेलेंगे। एक बार फिर हमारे दोस्तों ने मिलकर काम किया और शेर खान को हरा दिया और जंगल की शांति लौटा दी। इनका नया कारनामा देखने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों। मैंने एक देखी। पकड़ लिया। हे, वाह! अब तुम कोशिश करो। तुमसे छूट गया। तुम्हें उसे अपने पंजे से पकड़ना है सिम्बा। अब जाओ, ध्यान रखना कि उसे तकलीफ ना हो। अब मैं क्या करूं? सिर पे मारो, एक झटके में काम खत्म। ठीक है, तुम्हें एक ही बार में काम तमाम करना है सिम्बा। ठीक है, ये सब जीने के लिए ना? बेचारी मछली, ये सही नहीं है। बुरा मत मानो, ये खाने का एक हिस्सा है। मैं यहाँ सांस नहीं ले पा रही। माफ करना, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सिम्बा, पकड़ो। चलो ठीक है, फिर कोशिश करो। हे, तुम एकदम चुपचाप खड़े रहो और जब मछली पास आए तब उसे पकड़ लेना। बच गई। काफी अच्छा था, फिर कोशिश करो। ये मुझे मिल गई। ये सिम्बा, जल्दी करो, यहाँ बहुत सारी है। आ,
मुझे फंसाया है। ये तो मिर्चा खन्ना रखने के लिए एक सबक था। जब जिंदा रहने की बात आती है तो कुछ भी चलता है, तुम्हें नहीं लगता? मैं तुम्हें नहीं खाता, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। पक्का? माफ करना, पर आज जाकर मुझे अपने सारे दोस्तों को चेतावनी देनी है कि तुमसे और तुम्हारे भालू दोस्त से दूर रहे। आज तुम और किसी को नहीं पकड़ पाओगे। सिम्बा, तुम आ रहे हो या नहीं? आता हूँ। जल्दी मोटू, हम उसे खो देंगे। देखो हम कितने खुशनसीब हैं। तुम ठीक कह रहे हो। खजाना बचाने के लिए हमें किसी को साथ लाना होगा, उसको ये बिना बताए कि इसमें क्या है। क्या वो चली गई? नहीं, पर उन्हें समझ आ गया है, अब वो हमारे पास नहीं आएंगी। हे, मछलियाँ भी दूसरे जानवर खाते हैं ना, जैसे हम उन्हें खाते हैं। उन्होंने मुझे काटा। मेरे पैर में कुछ है। अरे बचाओ, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख रहा है। ये सिर्फ एक छोटा लाल केकड़ा है जिसने तुम्हारे पैर को काट लिया। मैं उसे हटा देता हूँ। जरा ध्यान से समझे। शायद मछलियों ने तुम्हें डराने के लिए भेजा है। जरा रुको बलू, लुडविक एलेक्स और ऑगस्टीन को लेने गया है, पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इसे पिराना का कुछ लेना देना नहीं है। ये अभी भी दुख रहा है। मुझे याद है कि मेरे पुराने मालिक को भी केकड़े ने काटा था। देखो उन्होंने कुछ मछलियाँ पकड़ी हैं। हाँ, वो बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं। बिल्लू को बांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, चलो। कितनी खुशबू। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। चलो उठाते हैं, तुम पूंछ से उठाओ। हाँ ठीक है। बचाओ। हम इसे खींचने की कोशिश करते हैं। तुम मदद करो। ये तो मधुमक्खी के काटने से भी बहुत बुरा है। तुम ज्यादा नहीं कर रहे? चिंता मत करो बलू, इसकी एक दो बूंद से ये तुम्हें छोड़ देगा। एक दो तीन। ये काम कर गया। बलू, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए जब तुम नींद में होते हो। तुम इसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ कौन रहता है और वो कैसा है। हाँ, जैसे मेरी पकड़ी हुई मछली अपनी जिंदगी की कहानी बताने वाली थी। हे, हमारी मछली! एक मछली गायब है। लगता है कोई उसे ले गया है। ऐसा कैसे? देखो। ठीक हो? कितनी अच्छी है। अभी पेट नहीं भरा। मुझे उम्मीद है कि ये चूहे सब खाना ना खा जाए। मुझे पता नहीं था कि चूहा का पेट इतना बड़ा होता है। देखो सिम्बा, मुझे कुछ निशान मिले। हाँ, और ये तो जाने पहचाने लगते हैं।
किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है मेरा खाना चुराने की? तुमने हमारी मछली क्यों ली? बताओ। भूखे थे। क्या तुम्हें कभी भूख नहीं लगी? बेशक मैं भी भूखा हूँ, पर मैं कभी किसी और का खाना नहीं चुराता। बलू और सिम्बा ने वो मछली पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी, तुम्हें कोई हक नहीं उसे खाने का। अब तुम वहाँ जाओ और बलू से माफी मांगो, समझे? नहीं। जाओ। कुछ जानवर कितने अजीब होते हैं। हाँ? चलो थोड़ा चखते हैं, फिर दूसरों को भी बताएंगे। ठीक है। हे, वहाँ कुछ तैर रहा है। हाँ, मुझे देखने दो। ओह, वो बहुत तेजी से इधर आ रहा है। क्या है वो? क्या तुम में से किसी का है? ओहो, जरा मुझे देखने दो। बहुत भारी है। चलो देखें। कीटनाशक? ओ नहीं, ये टोकरी जहर से भरी है, इसमें खोपड़ी और हड्डियों का निशान है। हैरानी है ये यहाँ कैसे आई। मुझे पता है इंसान इस्तेमाल। बलू, हमने मछली चोर को पकड़ लिया। मुझे पता होना चाहिए था, शहर में से कुछ बूंद लेना अलग बात है, पर ये बहुत हुआ, मेरी मछली चुराना, वो भी जब मैं मुसीबत में हूँ। इनके पेट के आकार से लगता है कि इनका पेट फटने वाला है। तुम्हें सबक मिल गया। मैं तुम्हारे लिए उम्मीद करती हूँ कि मछली दूषित ना हो। तुम क्या बोल रही हो? शायद उस टोकरी में से कुछ पानी में गिर गया हो। खजाना हमारा, खजाना हम हमने पहले देखा, इसलिए ये खजाना हमारा हुआ। इसके ज्यादा पास मत जाओ, ये कोई खजाना नहीं, जहरीला बक्सा है। वो खोपड़ी और हड्डियों का निशान देखो, मतलब इसमें जो भी है वो खतरनाक है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें अगस्त्य को बताना चाहिए, है ना? उसे पता होगा क्या करना है। शायद ज्यादा दूर ना गया हो, थोड़ी देर पहले ही उड़कर गया है। याद रखना, इसे कोई मत छूना। मैं अभी जाके अगस्त्य को फौरन लेके आता हूँ। शायद हमने जहरीली मछली खाई होगी। मोटो, पिछले कई सालों से मैंने ऐसे निशान वाले बक्से देखे हैं। कभी कभी वो एक साथ बंधे हुए होते हैं और कभी कभी एक एक करके आते हैं इसी तरह, पर उन पर हमेशा ये निशान होता है। अगर मैंने पहले उसे देखा होता तो मैं कभी उसे छूता भी नहीं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इंसान ऐसी खतरनाक चीजें बनाते ही क्यों हैं। कैसे हो दोस्तों? देखो ओमन को क्या मिला अगस्त्य। कीटनाशक? एलेक्स ने कहा ये जहर है। हाँ, दूर हट जाओ। हाँ, ये टूट सकता है और इसमें जहर हो सकता है। ये बक्से ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। कुछ ही देर बाद अंदर का जहर बाहर आ जाएगा और मीलों तक पानी और जमीन जहरीले हो जाएंगे। जो इसके सीधे संपर्क में आ जाएगा तो दूसरों को भी बीमार कर देगा। ये वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है, हानिकारक है।
अगर इस बक्से का जहर वातावरण में फैल गया तो तबाही हो जाएगी। अब हमारा क्या होगा? ये जहर फैलने में कितना समय लेता है बताओ जरा। वो तो निर्भर करता है कि तुम अपना ख्याल कितना रखते हो। आओ मैं तुम्हारी जांच करता हूँ। मैंने यही सोचा था। अब तुम्हारी बारी है पतलू। अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं हो, मुझे तुम लोगों को निगरानी में रखना होगा। हम बर्बाद हो गए। पतलू, फिक्र मत करो, वो दोनों डर से बेहोश हुए हैं। देखो वो ठीक है। अगर तुम इससे भी नहीं सीखे कि चोरी नहीं करनी चाहिए तो मुझे नहीं पता तुम कैसे सीखोगे। मैं और सहन नहीं कर सकता, मैं जवान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मोटू। तुम्हारा पेट हमेशा हमें मुश्किल में डाल देता है। अब से हम और तुम साथ नहीं, समझ गए तुम मेरी बात? बिल्कुल पक्की है ये। मैं चला पतलू। ए, अब तुम कहाँ जाओगे? पता नहीं तुम कहाँ जाओगे। सोने, मैं भी हूँ। अगस्त्य, कीटनाशक क्या करते हैं? इंसान इसे बनाते हैं पेड़ पौधों को कीटों से बचाने के लिए। दुर्भाग्य से ये कीटनाशक जहरीले होते हैं, जैसे कि ये। पर कुछ इंसान लापरवाह होते हैं, जरूरी सावधानी नहीं रखते हैं, और ये जहर हमारे पानी में मिल जाता है। तो क्या मोटू पतलू मर जाएंगे? नहीं, उन्हें जहर का प्रभाव नहीं हुआ, उन्हें बस अपच हुआ है और कुछ नहीं। कमजोरी लग रही है। ओमन ने कहा ऐसे और बक्से आ सकते हैं। वो सही है, और हमें कोई भी पानी की चीज को पकड़ने के लिए जाल तैयार करना होगा। हाँ, किस प्रकार का जाल? इस तरह, हम एक लंबा चौड़ा जाल बनाने वाले हैं और उसे नदी में बिछा देंगे, और ये जाल ऐसी चीजों को पकड़ लेगा। फिर हम उन्हें सावधानी से बाहर निकाल लेंगे और उसे किसी तरह नष्ट कर देंगे। अब बेले, टहनिये और बांस को जमा करो। मेरा अंत समय आ गया है, मेरा पेट आवाज करना बंद नहीं कर रहा। मैं उम्मीद करता हूँ वो गलत हो, वो मछली जहरीली ना हो। अरे कब पता चलेगा? पता नहीं। अगर हम इतना नहीं खाते तो अच्छा होता। अरे नहीं, मुझे सबको चेतावनी देनी होगी। कहाँ? चलो खींचो। एक दो। वो मछली जहरीली है। दोनों चूहे जिन्होंने मछली खाई थी वो बहुत बीमार है। बस ऐसे ही, अति उत्तम। अब दोनों तरफ से खींचो। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, शुक्रिया। सब तैयार हो गया। पहले वाले बक्से के साथ क्या करें? इसे दफन करते हैं। ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे रिसाव हो सकता है। हाँ, यही करना सही होगा अभी के लिए, जब तक हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता। ये सुरक्षित है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पुस्तकालय में कोई ऐसी चीज होगी जिससे पता चले कि सुरक्षित है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें और जवाब ढूंढने होंगे। आपको पुस्तक कहाँ से मिलती है? अर्थात इंसानों से। नहीं, शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा है। जाओ जाकर उसे उठाओ। इन्हें क्या हो रहा है? चलो देखते हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है।
क्या ये स्वर्ग है? तुम अभी तक जंगल में ही हो, समझे? दरअसल वो दोनों ठीक हैं। चलो ऑगस्टीन से पूछते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या उनके पेट की सूजन बुरी निशानी है? अगर मैं बच गया तो मछली की तरफ देखूंगा भी नहीं। मैं भी नहीं, मैंने सबक सीख लिया है। चलो कम से कम हम जाल बनाने से तो बच गए। वो देखो एक और। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सुरक्षित नहीं है। ओ नहीं, हमें इन्हें यहाँ से दूर रहने के लिए कहना होगा। हाँ, मुझे खाना खोना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। इंसान इतने लापरवाह क्यों होते हैं? क्या उन्हें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा? उस बक्से का जहर काफी है जमीन को नष्ट करने के लिए। ये सही नहीं है, इंसान इतना लापरवाह क्यों है? क्या उन्हें नहीं पता कि जहर से हमें कितना नुकसान होगा? अब से मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ ताकि ये फिर से ना हो। मैं उन्हें अपना जंगल बर्बाद करने नहीं दूंगा। एक सुरक्षित दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता, पर दुर्भाग्य से इंसान हमारे बारे में सोचना भूल जाते हैं। सिम्बा बहुत होशियार है और अपनी बात मनवाने की हिम्मत रखता है, पर अपने हर वचन को पूरा करने के लिए इतना काफी नहीं है। क्या वो अपनी सूझबूझ से जंगल को सुरक्षित रख पाएगा? अगली बार मिलेंगे तो साथ में देखेंगे दोस्तों।